Hey guys, welcome back. So happy winters, क्योंकि दिसंबर चल रहा है. दिसंबर फेमस है अपने ठंड के लिए एंड ड्राई स्किन के लिए. सो ड्राई स्किन पे मेकअप कैसे करें, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एंड सबके लिए पॉसिबल नहीं, इंक्लूडिंग मी, कि हम मौसम के हिसाब से लाइक प्रोडक्ट्स को चेंज करें. विंटर्स के लिए दूसरा फाउंडेशन खरीदें, समर्स के लिए कुछ और खरीदें. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नॉर्मल वो स्टिक वाली फाउंडेशन जो होती है, आप उसे कैसे बना सकते हो बहुत ही क्रीमी सा फाउंडेशन जो कि परफेक्ट होने वाला है विंटर्स के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए. क्योंकि विंटर्स में हर स्किन टाइप जो है वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाती है. चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, एंड ड्राई हो तो कहने ही नहीं, तो सुपर ड्राई हो जाती है. तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने स्टिक फाउंडेशन को या फिर किसी भी नॉर्मल फाउंडेशन को बना सकते हो सुपर क्रीमी. एंड इस फाउंडेशन को लगाने के बाद आपको लाइक पाउडर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं. एंड साथ ही बेस्ट पार्ट की बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है. अगर आपके पास बीबी या सीसी क्रीम आपका खत्म हो गया हो या फिर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. बिल्कुल क्रैक नहीं होता, बहुत ही इवन लुक देता है ये. एंड हाल मैंने मेरा यही डीआईवाई फाउंडेशन जो अप्लाई किया हुआ है, लाइक सेम ही डीआईवाई कह सकते हो आप, जो आपकी फाउंडेशन था बट इसे हमने क्रीमी फाउंडेशन बनाया. सो कहीं ना कहीं डीआईवाई तो है इसमें, तो सेम ही डीआईवाई फाउंडेशन जो है वो मैंने अप्लाई किया फिलहाल. एंड कैसा लग रहा है आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. बिल्कुल क्रैक नहीं होता, बहुत ही नेचुरल सब वो देता है. एंड मैंने पाउडर स्किप किया, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप विंटर्स में पाउडर को स्किप किया करो. लाइक बहुत ज्यादा अगर आपके डार्क सर्कल्स है एंड आपने बहुत सारे लेयर्स लगा रखी है तो जस्ट आप अपने अंडर आइज को या फिर जिस स्पॉट को आप हाइड कर रहे हो वहां जस्ट हल्का सा आपने उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लो, दैट्स इट. मैंने जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लशर एंड हाइलाइटर अप्लाई किया, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो. जस्ट मैंने इसे पेयर किया है डार्क लिपस्टिक के साथ. एंड ये लुक जो है वो पर्सनली बहुत ही ज्यादा क्लासिक कह सकते हो आप. जस्ट आप लाइक अपने स्किन बेस को बहुत ही अच्छे से बनाओ एंड डार्क लिप्स विद मस्कारा बहुत ही अच्छा लगता है. लाइक आंखों पे आप कुछ ना करो, जस्ट मस्कारा अप्लाई कर लो एंड लिप्स को रखो बहुत ही ज्यादा डार्क. पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ऐसे लुक, स्पेशली विंटर्स में. एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप ऐसे रेडी होकर जरूर जाओ एंड ट्रस्ट मी, कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश हो जाएगी. सो बस यार बहुत सारी बातें हो गई. एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे मौका आप लोगों से बात करने का, इसलिए आजकल बातें मेरी खत्म ही नहीं होती मेरे वीडियोस में. सो सॉरी फॉर दैट. एंड चलिए फटाफट देख लेते हैं कि उसको बनाना कैसे है एंड देन बाकी बातें हम करेंगे ऑफ कोर्स लास्ट में. तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कांच का छोटा सा बाउल एंड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे ओलिविया मेकअप स्टिक का, आप देख सकते हो. तो जस्ट मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लूँगी कटोरी में, तो मैं एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो ले रही हूँ. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे उतना ही बनाएं जितना आप यूज़ कर सकते हो. तो जस्ट मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ जिससे कि ये ख़त्म हो जाए. बाकी आप इसे दो बार भी यूज़ कर सकते हो, बट सेकेंड टाइम ये दोबारा जब ड्राई हो जाएगा तो आपको फिर से कोई मॉइस्चराइज़र इसमें मिक्स करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं वैसलीन का बॉडी लोशन मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही क्रीमी है ये. आप कोई और भी कर सकते हो, लाइक ये अच्छा है, आप कोई और भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जस्ट अब हम इसे मिक्स कर देंगे. तो मैं फिंगर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए. बस यही है कि आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन जस्ट मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ. रेडी है हमारा DIY, लाइक सेम ही DIY फाउंडेशन आप कह सकते हो. बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है इसकी, आप देख सकते हो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड कोई क्रैक नहीं छोड़ता, आप देख सकते हो. मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अप्लाई करके. तो देख लिया आपने कि कैसे बनाना है इसे एंड कैसे अप्लाई करना है इसे. देख सकते हो बहुत ही इजी ब्लेंडिंग है इसकी, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि एक बार इस टेक्निक से आप फाउंडेशन जरूर अप्लाई करके देखो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा. सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल रही, तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड साथ ही आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो मेरे लिए या फिर मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज आप कॉमेंट करके जरूर बताइए. आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप उसे आराम से कॉमेंट कि पूछ सकते हो, मैं फटाफट आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी. लाइक मुझे इंतजार रहता है आप लोगों की कमेंट्स का. एंड साथ ही आप चाहो तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेक कर लो एंड वहां पे मुझे फॉलो कर लो अगर आप चाहते हो. तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलती हूं मैं आपसे बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.